पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल के थाना बनिया ठेर के कस्बा नरोली की एक युवती को दूसरे संप्रदाय का युवक भगाकर ले गया था। इस मामले में थाना पुलिस ने पीड़ित पिता की ओर से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और बीती रात युवती को बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवती की बरामदगी की सूचना मिलने पर रविवार की सुबह 7 बजे युवती के माता पिता और रिश्तेदार के साथ कुछ भाजपाई भी पहुंच गए। करीब 30 से 40 लोग थाने पहुंचे। भाजपाइयों ने थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से तत्काल युवती के बयान दर्ज करने पर जोर दिया। इसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई, जबकि भाजपाइयों में नगर अध्यक्ष रोहित दिवाकर और भाजपा नेता मनोज दिवाकर को हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया। इसका पता लगने पर भाजपा चेयरमैन इंदू रानी समेत तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। बंद कमरे में थाना अध्यक्ष से वार्ता की गई। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि रोहित दिवाकर और मनोज दिवाकर के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही का चालान कर दिया गया है। कुछ पता लगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को बनियाठेर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, इसी पक्ष में उनके उस पक्ष में आए थे हम लोग। क्या हुआ, क्या बात हुई पुलिस? अभी कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है। इसी केस में भाजपा कार्यकर्ताओं का 151 में इन्होंने चालान कर दिया है। बता रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम लोग उनके पक्ष में आए थे तो हमसे भी कहा था कि आप भीड़ की शक्ल में मत आइए, हम शालीनता के दायरे में सारा कार्य करते हैं, हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। देखते हैं पुलिस की भूमिका कहाँ तक क्या रहती है। अच्छा, कौन है? एसी मोर्चे के संयोजक, जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक मनोज दबागर जी और युवा मोर्चे के नगर अध्यक्ष रिंकू दबागर जी हैं, उन्हीं के पक्ष में हम लोग आए थे। चलो भैया, बहन बेटी का मामला है, पारिवारिक मामला है और बहन बेटी के मामले में हमको बहुत ही नज़रिया सही रखना चाहिए। और बेटी है, किसी की बेटी बेटी अपनी है तो किसी की बेटी अपनी बेटी है, इसके लिए हमने कह दिया उनसे, वो करेंगे कार्रवाई की, उनको कार्रवाई किया। वो तो भाई बेटी का मामला है, मैं भी आऊँगी, कोई भी सुन के आएगा, तो उस पक्ष में बेटी के पक्ष में है। अब ऐसे सबसे हमारी बात होगी, बहुत जल्दी काम करने वाले सुन रहे हैं। मारपीट की तो हमने कह दी, मारपीट तो अगर मना करने के नहीं किए और मारपीट का कोई मतलब नहीं, किसी भी बेटी का मामला होगा तो कोई आएगा, मैं तो आऊँगी, कोई भी आएगा, उसका आप पता नहीं कर सकते। हमने तो आराम से मना कह दिया, तो बहुत जल्दी उसको जो फॉर्मेलिटी है कागज़ के पेपर फॉर्मेलिटी करके पूरा।